नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपसे स्विफ्ट डिजायर या फिर दोस्तों जो स्विफ्ट होती है, तो दोस्तों आज मैं आपके साथ उसके ऐसे फंक्शन की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जिसे हम कम ही यूज करते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं लेन डिपार्चर इंडिकेटर या फिर दोस्तों लेन चेंजिंग इंडिकेटर। तो जैसे दोस्तों हम हाईवे पर जा रहे होते हैं तो दोस्तों हमने लेन चेंज करनी होती है, तो दोस्तों जैसे हमने राइट को लेन चेंज करनी है तो दोस्तों जैसे हम इसका इंडिकेटर पूरा दबा देते हैं तो दोस्तों ये दोस्तों इसको आपको हाथ से इसको बंद करना पड़ेगा या फिर दोस्तों जैसे आप स्टेयरिंग को मोड़ेंगे तो ये बंद होगा। तो दोस्तों ऐसे इससे क्या होता है कि दोस्तों कई बार हम जैसे हमने लेन चेंज कर ली है तो दोस्तों इसको बंद करने के लिए दोस्तों पूरा इंडिकेटर ऐसे टर्न होना जरूरी है। तो दोस्तों हम हाईवे पर आमतौर पर इतना टर्न नहीं ले सकते, तो दोस्तों कई इसकी वजह से दोस्तों जो ये इंडिकेटर होता है तो ये ऑन ही रहता है। तो दोस्तों मैं आपको इसका एक ऐसा फंक्शन बताने जा रहा हूँ जिसको हम लेन चेंजिंग इंडिकेटर बोलते हैं। तो दोस्तों जिससे आपको इसको पूरा दबाने की और बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे सपोज कीजिए दोस्तों आपने लेन चेंज करनी है तो दोस्तों आपने इसको जो इसकी इसका जो लीवर होता है इंडिकेटर का, तो दोस्तों आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए दोस्तों ये 3 बारी फ्लैश करेगा तो अपने आप बंद हो जाता है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों 3 बार फ्लैश करने के बाद ये बंद हो जाएगा। जैसे आपने लेफ्ट को भी अगर लेन चेंज करनी है तो आपने इसको थोड़ा सा दबाना है। ये देखिए दोस्तों ये 3 बार फ्लैश करने के बाद बंद हो जाता है। तो दोस्तों आप दोबारा से भी इसे ऑन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों काफी यूजफुल फंक्शन है दोस्तों ये, तो आप दोस्तों इसको जरूर यूज कीजिए। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।